नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। नवगछी के पर्वता थाना क्षेत्र अंतर्गत बहतरा का रहने वाला दसवीं का छात्र अपने दोस्तों के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार निकला था। तभी रास्ते में कुछ अपराधी किस्म के लोगों से तू तू मैं हो गई और अपराधियों ने उसे गोली मार कर घायल कर दिया। युवक को गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया। उसके बाद उसे आनन फानन में मायगंज अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान पर्वता थाना क्षेत्र अंतर्गत बहतरा गांव का रहने वाला दसवीं का छात्र रोशन कुमार के रूप में बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी मृतक के दोस्त ने कहा कि बिजली के पोल में गाड़ी धोखे से टकरा गई। तभी अपराधी किस्म के लोग गाली गलौज करने लगे और मेरे दोस्त रोशन को गोली मार कर घायल कर दिया, जिसे इसके इलाज के दौरान मायगंज अस्पताल में मौत हो गई। गली में जो ना है, मेरा दोस्त ने बोला कि इधर चलो नाश्ता करेंगे हटिया में, ये जो अभी का एक्सीडेंट हुआ, ये बोला चलो इधर थोड़ा सा जो गाड़ी है ना पोल में सटा, पोल में सटा, उधर से आदमी का जुट गया था, देखते नहीं चला सकता है, तो भैया इसे थोड़ा सा गलती हो गया, इसी में दो थप्पड़ हम दोनों को लगा दिए, बस गाड़ी को पलटा दिया, उधर ही पलटा दिया, हम उसको जिसके निकाले तो उसका गोल चिरा गया था। तभी वो सब आदमी आके कहता है एकदम नशा बात करता है, नशा में फूल आए, हम सब दारू भी नहीं किए थे, बस उधर से आके सब मार दिया। भागलपुर पुलिस के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसके मद्देनजर नाथनगर थाना पुलिस ALTF और CIT के चार द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर इलाके के बाबू टोला मोहल्ले में गुप्तचरों की मदद से मिली सूचना पर छापेमारी कर 17 कार्टून में कुल 258 बोतल इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टेक और ब्लेंडर शराब बरामद किया गया। छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। जब तक शराब की अनुमानित कीमत करीब 1.5 से 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काली पूजा में इस शराब को खपाने की तैयारी थी। मामले पर नाथनगर थानेदार मोहम्मद महताब खान ने बताया कि गुप्तचरों से मिली जानकारी के आधार पर नाथनगर थाना पुलिस एंटी लिकर टास्क फोर्स और CIT की 4 की टीम की मदद से अवैध शराब बरामद किया गया। फरार शराब तस्कर का पता लगाया जा रहा है। हिंदू धर्म के तमाम बड़े त्योहार में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाई खाई के साथ शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा काफी नियम निष्ठा से की जाती है। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, SDM धनंजय कुमार, DSP, CTDSP, DCLR, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी तथा समितियों के लोगों ने कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। जहां त्रुटियां पाई गई उन्हें जल्द दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर में सबसे ज्यादा पुल घाट में छठ पूजा को लेकर अर्घ के समय भीड़ लगती है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। दलदल को समाप्त करने के लिए बांस बल्ले और कसाल बिछाया जा रहा है। देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत 2021 में ही बरारी रिवर फ्रंट और जो हम लोगों का ये जोक्सर रिक्रिएशनल स्पेस है, जिसमें मेन भोलानाथ मंदिर जो है काफ़ी विख्यात, उसको डेवलप करने का हम लोगों ने प्लान अप्रूव कराया था। थोड़ा सा जो है उसमें फॉरेस्ट के क्लियरेंस के कारण कुछ डिले भी हुआ, खास करके बरारी एरिया में। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। इस बार चूँकि सारे जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि नदी का पानी काफ़ी तेज़ी से घटा है, पिछले एक सप्ताह में भी जो आप देख रहे हैं पानी घटा है, अभी और पानी का स्तर जो है नीचे जाएगा, उसको लेकर के समस्याएं हो रही हैं। नगर निगम की टीम लगी हुई है, यहाँ 200 मजदूर कल से जो है नगर निगम दे रहा है, उसको हम लोगों ने बोला है समिति के अनुरोध पर कि 250 के लगभग मजदूर कर दिया जाए। सोलर लाइट्स वगैरह सब लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा वही समस्या है कि पानी इस बार काफ़ी घट गया है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है समिति को भी, नगर निगम को भी, तो उसको और जितना बेहतर हम लोगों से बन पड़ेगा। 250 लेबर नगर आयुक्त साहब यहाँ पे चूँकि काफ़ी भीड़ होती है लगाएंगे, और अगर पंप से उस साइड से पानी ला करके इधर भरना होगा तो वो भी हम लोग पंप से पानी ला करके छठ से पहले भर देंगे।
भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री को लेकर दो दिनों के लिए भागलपुर शहरी क्षेत्र में 3 जगह को आवंटित किया गया था, जिसमें भागलपुर का जिला स्कूल भी शामिल था। जिसके बाद आज सुबह भागलपुर के सैकड़ों फुटकर दुकानदार अपना दुकान लगाने के लिए स्कूल पहुंचे, लेकिन वहां ओपन बोर्ड का एग्जाम होने के कारण स्कूल प्रबंधक के द्वारा उन्हें जिला स्कूल परिसर में दुकान लगाने से रोक दिया गया, जिसके बाद दुकानदार आक्रोशित हो गए और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ गोलबंद होने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद सांडिल्य नंदिकेश जिला स्कूल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी सदर SDO धनंजय कुमार को देते हुए फुटकर विक्रेता और आम लोगों के सुविधा के लिए लाजपत पार्क में दुकान लगाने की मांग की, जिसके बाद SDM ने तुरंत सभी दुकानदारों को लाजपत पार्क में लगाए जाने का आदेश निर्गत किया। सुबह अभी बार बार फोन आ रहा था कि भैया स्कूल बंद है और पटाखों को बिक्री के लिए दिवाली में जिला स्कूल हर साल प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाता है, तो इस बार ऐसा हुआ है कि आज शायद किसी बोर्ड का एग्जाम है 5 बजे शाम तक, तो आज कल दो ही दिन है पटाखा व्यापारियों के लिए पटाखा बेचने के लिए, तो वो यही बोल रहे थे कि भैया यहाँ स्कूल में जगह नहीं दिया जा रहा है तो कुछ बात किया जाए। तो जब हम आए तो देखें यहाँ करीब 100-150 व्यापारी थे जिनको बाहर निकाला जा रहा था, पुलिस प्रशासन बाहर सड़क पर इजाज़त नहीं दे रही थी उनको बेचने के लिए। तब हमने भागलपुर के सदर SDM धनंजय सर से बात करी, सर भी फ़ोन करके तुरंत उनको लाजपत पार्क शिफ्ट करवाया गया कि आज कुछ भी जो भी फुटकर व्यापारी उनको नुकसान ना लगे, और जितना जल्दी हो सके सर ने तुरंत तत्काल प्रभाव में आदमपुर थाना इंचार्ज रंजीत बाबू को भेजकर यहां से सबको लाजपत पार्क शिफ्ट करवाया। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।